दोस्तों, ये कान में दर्द क्यों होता है, कान में दर्द किस कारण की वजह से होता है, और कान में दर्द हो तो हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इसके बारे में बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ब्रजेश और आप देख रहे हैं ग्लास सिंगर चैनल। आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों, कान में दर्द क्यों होता है। कान में दर्द दोस्तों क्या है, मुख्य कारण क्या है कि जब भी कभी हमारे कान के अंदर इन्फेक्शन की शिकायत हो जाती है, कान में हम कोई चीज स्टिक वगैरह डाल लेते हैं या कोई पिन वगैरह डाल देते हैं या कोई माचिस बॉक्स की तिली स्टिक डाल लेते हैं, तो उस स्थिति में क्या है दोस्तों, हमारे कान की जो लेयर है, अंदर वाले कान का जो पर्दा है, वो कान छू जाता है, उसमें पेन होने लगता है। कभी कभी क्या है, हमारे कान के अंदर गांठ जैसी पैदा हो जाती है, तब भी हमारे अंदर पैदा हो जाता है। तो दोस्तों क्या है, बहुत सारे रीजन्स हैं, तो आज इसके बारे में बताएंगे आपको कि क्या क्या हमें सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या क्या हमें करना चाहिए, और कान के दर्द में जब कान दर्द हो तो हमें क्या हमें खाना चाहिए, क्या हमें ट्रीटमेंट लेना चाहिए, इसके बारे में बताएंगे। दोस्तों आप सबसे पहली बात करते हैं कि जब भी आपके कान के अंदर दर्द रहता है, तो सबसे पहली पॉइंट ये बात करते हैं कि आप जो है कई घरेलू उपाय करते हैं, तो कब घरेलू उपाय ना करें, उससे बेटर है कि आप डॉक्टर से तुरंत ही परामर्श करें, यह है सबसे पहला पॉइंट। दोस्तों दूसरी बात क्या है कि जब भी आप कान के अंदर जो है कोई स्टिक वगैरह डालते हैं, तो उससे सावधानी बरतें और स्टिक वगैरह इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। जब भी कान में आपके दर्द रहता है, तो और भी ऐसे अन्य कारण है, जैसे कि मान लीजिए दोस्तों कान के अंदर जो है मैल का जमा हो जाना, कान के अंदर स्टिक डालना, कान के अंदर फुड़िया का हो जाना, फुड़िया फुंसी हो जाती है, तब इस स्थिति में भी क्या है दोस्तों, कान के अंदर दर्द हो जाता है, सूजन आ जाती है, बहुत ज्यादा दर्द रहता है। और दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि ओटिटाइटिस मीडिया जो होता है उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, उस स्थिति में भी दर्द रहता है। दोस्तों क्या है, हमारे कान के पर्दे पर कोई भी इंफ्लामेशन या इन्फेक्शन या फंगस की शिकायत होती है, तो बहुत ज्यादा दर्द होता है, उस स्थिति में हमें कंट्रोल करना चाहिए और तुरंत ही डॉक्टर से परामर्श कर लेना चाहिए। कान के पर्दे जब चोटिल हो जाते हैं, उस स्थिति में भी दोस्तों क्या है, हमारे कान के अंदर दर्द रहता है। और दोस्तों क्या है कि जब भी आप जो है साइनस संक्रमण के इन्फेक्शन में आ जाते हैं, उस स्थिति में भी दोस्तों दर्द रहता है कान के अंदर। और दोस्तों क्या है, ओटिमिकोसिस के अंदर आपके कान के अंदर दर्द रहता है, और ईयर बैक्टीरिया और बैरेक्ट्रोमा इसके अंदर भी कान के अंदर दर्द रहता है। दोस्तों मैंने आपको ये काफी जो है पॉइंट्स बताए हैं कि कान में दर्द क्यों रहता है। अब हमें आपको बताएंगे कि कान में दर्द दर्द रहता है तो हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और क्या हमें जो है ट्रीटमेंट लेना चाहिए, इसके बारे में बताएंगे। दोस्तों कि जब भी आपके कान में दर्द रहता है, तो कान को बार बार ना धुलें, बिल्कुल भी ना धुलें, और साथ ही साथ में पेन तिल्ली चाबी या स्टिक वगैरह का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। कान में यदि ऐसे इस्तेमाल करते हैं, तो कान के अंदर दर्द और कान का पर्दा फटा हुआ हो सकता है। अच्छी बात करते हैं कि अच्छी क्वालिटी के हेडफोन्स का इस्तेमाल करें। दोस्तों यदि आप हल्की क्वालिटी के इस्तेमाल करते हैं, तो साउंड तेज होता है और कान में हमारे दर्द की शिकायत हो सकती है। दोस्तों त्वचा बालों के जो आप प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, वो आप अच्छी क्वालिटी के इस्तेमाल कीजिए। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की कि आप जो है जब भी तैराकी करते हैं, तो दोस्तों तैराकी करते समय कान के जो और आपके प्रोटेक्शन आते हैं, उसका इस्तेमाल करें, जिससे क्या है कान के अंदर पानी की शिकायत बिल्कुल ना हो। दोस्तों क्या है कि आप जब भी ऐसी कोई शिकायत रहती है, तो आप तुरंत ही डॉक्टर से परामर्श करें। और दोस्तों क्या है कि हर 4-5 महीने में कान की वैक्स जरूर कराएं, डॉक्टर से परामर्श करके कान की सफाई जरूर कराएं। कान में बार बार जल्दी जल्दी वैक्स की शिकायत हो जाती है, इसलिए वैक्स कान की वैक्स जरूर साफ करें। अब बात करते हैं दोस्तों कि कान में जब भी हल्का दर्द है, तो आप तैराकी बिल्कुल ना करें और डॉक्टर से परामर्श करें। और जब भी दोस्तों कान के अंदर हल्का दर्द रहता है, दोस्तों आप उस स्थिति में क्या है, पानी से जो है ठंडे पानी के कपड़े से शिकायत कर सकते हैं, इससे क्या तुरंत आराम मिलता है। शिकायत होती है कान में दर्द की, तो दोस्तों आप जो है डॉक्टर से तुरंत ही परामर्श करें। दोस्तों यदि आपको ऐसी आपके पास समय नहीं मिल पा रहा है, तो दोस्तों उस स्थिति में क्या है, आप जो है ड्रॉप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ओटेक एसिड ड्रॉप आता है, ओटेक एसिड ड्रॉप आता है, उसे आप इस्तेमाल करें, तो कान का दर्द बंद हो जाता है। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करते समय दोस्तों बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।